नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की भौतिक समीक्षा के दौरान मिट्टी भराई का कार्य अधूरा देख सीएम योगी की चढ़ी त्योरी, लहजा हुआ तल्ख, डीएम को दिए निर्देश, कहा 2 माह में पूर्ण हो मिट्टी का कार्य, समय पर पूरा हो निर्माण कार्य, लापरवाही पर कराए FIR। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के 21 मतदान केंद्रों में से एक नगर निगम में बने मतदान स्थल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया निरीक्षण, कहा सभी तैयारी है, पूरी शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। अपने सगे भाई इरशाद पर जानलेवा हमला कराने वाली कलयुगी बहन आफरीन व उसके प्रेमी सूरज यादव को गुलहरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के दीक्षा पाठ्यचर्या समारोह में सीएम योगी ने छात्रों से किया संवाद, कहा चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा में नई क्रांति की शुरुआत है आयुर्वेद कॉलेज, चिकित्सा की दोनों विधाओं की ज्ञान परंपरा का अद्यतन संवाहक बन रहा है आरोग्य धाम परिसर। 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी व 25,000 का इनामी मनोरंजन यादव ने पुलिस कार्रवाई के दबाव में आकर न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, भेजा गया जेल। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां कचहरी क्लब से मतदान बूथों के लिए बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स के साथ हुई रवाना, जिलाधिकारी ने कहा गोरखपुर में शनिवार को 21 बूथ पर होगा मतदान, सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव एवं आम जनमानस पुलिस बल पर पथराव तोड़फोड़ करने वाले 3 अभियुक्तों को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव के भाजपा प्रत्याशी CP चंद्र ने मतदाता बंधुओं से किया अपील, कहा भाजपा के पक्ष में करें मतदान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए बने उनके हम सफर। वासंतिक चैत्र नवरात्र के 7वें दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित माँ दुर्गा के गर्भगृह में माता कालरात्रि देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती, तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मतदान करने की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने पोलिंग बूथ सदन हॉल का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, कहा जिले का सबसे मॉडल बूथ बनेगा नगर निगम का सदन हॉल। पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को दिया गया मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, DPRO ने कहा धनराशि को अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे खर्च, जिससे हो सकेगा गोरखपुर का सर्वांगीण विकास। और चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन गोलघर काली मंदिर में मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़, नगर आयुक्त ने कहा सभी मंदिरों पर साफ सफाई की गई है समुचित व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार अपराह्न गोरखपुर के पिपरी भटहट में बन रहे प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की भौतिक समीक्षा की। इस दौरान मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। CM ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि 2 माह में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण न होने और निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न दिखने पर कॉन्ट्रैक्ट व अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेट लतीफी, माफियागिरी और अराजकता का रूप ले या फिर ऐसे लोग कोर्ट जाकर दबाव बनाने लगे, उसके पहले सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। आयुष विश्वविद्यालय पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर पर निगाह दौड़ाई। इस दौरान मिट्टी भराई का कार्य अधूरा देख उनकी त्योरी चढ़ गई और लहजा
तल्ख हो गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि मिट्टी भराई का जो काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था वह अभी पूरा नहीं हुआ, तो बरसात में काम आगे कैसे बढ़ेगा। 15 जून के बाद बरसात शुरू होते ही यहां पानी भर जाएगा, ऐसे में समय पर यह परियोजना कैसे पूरी होगी। सीएम के तेवर देख कार्यदायी संस्था के अधिकारी व कॉन्ट्रैक्टर सकते में आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मई के अंत तक हर हाल में मिट्टी भराई का काम पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी के यह पूछने पर कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने कहा कि अगले साल अगस्त तक पूर्ण कर देंगे। निरीक्षण के दौरान ही सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछा कि वह कहां बैठते हैं। कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह ने बताया कि प्रेमचंद पार्क के पास IASPCS कोचिंग वाली बिल्डिंग में। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्था से बात कर अपने आवास की व्यवस्था कराएं ताकि IASPCS कोचिंग के छात्रों को कोई असुविधा ना हो। कुलपति ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने 4 माह में आवास बनाकर देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वह कार्य प्रगति की जवाबदेही तय करे, समयबद्ध ढंग से कार्य ना होने पर बिना किसी रियायत के सख्त कार्रवाई करें। अक्सर कार्य में देरी करने वाले अराजकता व अव्यवस्था पैदा करते हैं, ऐसे में निगरानी रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जरूरत होती है। योगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति जानने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के मॉडल का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ मौके पर ही समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने समयबद्ध निर्माण न होने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कमिश्नर व DM से कहा कि कार्य की नियमित समीक्षा करते रहें, साथ ही निर्माण की गुणवत्ता की भी TAC जांच भी कराएं। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि आयुष विश्वविद्यालय के वास्तु में भारतीयता दिखे। इस अवसर पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, कमिश्नर रवि कुमार NG, DIG जे रविंद्र गौर, DM विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। 1,99,980.72 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहे इस विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, अस्पताल, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, संग्रहालय, मर्चरी, बालक एवं बालिका छात्रावास के अलावा कुलपति व अन्य स्टाफ के लिए आवासीय भवन बनाए जाने हैं। आयुष विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के पाठ्येतर गतिविधियों के लिए 3 स्पोर्ट्स फील्ड भी बनाए जाएंगे। पड़ चुकी नदियां हैं, उनको इनको दीजिए ना, लोग खाली कराएं उसको, उसमें कोई लिंकेज में कोई दिक्कत, लेकिन इनको आदमी लगाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं था आज भी 50 ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और कितने लोग इस समय हैं सर? करीब करीब 100 से ऊपर। तो 100 लोगों में इतने बड़े कार्य प्राप्त करना चाहते हैं, कौन है यहाँ का कॉन्ट्रेक्टर, कौन है? जी सर, क्या है, कहाँ घर है आपका? दिल्ली से। आदमी कितने जाते हैं? इसको एक बार चेक करें, बढ़ाते हैं, कैंसिल करवा करके नए लोगों को। देखिए, कार्य आपके जो भी होने थे जनवरी से लेकर के मई तक होने, पूरा पानी भर जाएगा, क्योंकि अभी तो इनको मिट्टी नहीं डाली। ठीक है, जवाब यही तय करो, अगर ये लोग अगले 2 महीने के अंदर पूरा मिट्टी को फिलअप करके और कंस्ट्रक्शन को सही उसमें नहीं ला पाते हैं। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने में समय लगता, समय नहीं लगता, उसको आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग करने ज़्यादा समय लगता है। अगर 2 महीने में वहाँ उस प्रकार का उन्हें देते हैं और समयबद्ध तरीके से नहीं करना है, शुरू में ही एकदम अपना चलाकर एकदम कार्रवाई कर देते हैं, एकदम कोई रियायत नहीं, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, ये माफिया के रूप में काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में जाकर के अपना उसके रूप से कमरे में दर्शन में जाते हैं। इससे पहले के लोग कोई अराजकता पैदा करें, सख्त कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गोरखपुर महाराजगंज के लिए स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के मतदान स्थल नगर निगम का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शनिवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको देखते हुए नगर निगम सहित सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है तथा हर क्षेत्र के SDM अपने अपने बूथ का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिए हैं। निरीक्षण के दौरान जो भी कमी पाई जा रही है उसको दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 21 मतदान केंद्र जहां पर मतदान होना है, सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहेगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, इसलिए मतदान केंद्र पर मतदाता समय से पहुंचकर मतदान करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, तो सभी बूथों में हम लोग लगातार अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और SDM साहिबान निरीक्षण कर रहे हैं और कोई भी अगर कमी मिलती है तो उसको तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुलेरिया पुलिस ने भाई पर जानलेवा हमला कराने वाली कलयुगी बहन व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त व अभियुक्ता को ग्राम नाहरपुर तथा तेंदुआ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सूरज यादव पुत्र पारस यादव निवासी नाहरपुर थाना गुलेरिया गोरखपुर, दूसरी आफरीन पुत्री मोहम्मद हकीम निवासी सराय गुलेरिया थाना जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त एक हैमर बरामद हुआ है। SP नॉर्थ ने बताया कि 18 फरवरी को वादिनी मुकदमा रुखसाना पत्नी मोहम्मद हकीम निवासी सराय गुलेरिया थाना ने अपने पुत्र इरशाद पर जानलेवा हमला होने के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय थाना में मुकदमा अपने पट्टीदार इस्लाम उर्फ इद्दू सहित 4 अभियुक्त पर पंजीकृत कराई थी, जिसके संबंध में विवेचना कार्यवाही से यह प्रकाश में आया कि मृतक इरशाद पर हुई जानलेवा हमला उसकी बहन आफरीन व उसके प्रेमी सूरज यादव के प्रेम प्रसंग में इरशाद के बाधक होने के कारण बहन आफरीन ने साजिश के तहत अपने प्रेमी सूरज यादव से भाई इरशाद पर जानलेवा हमला कराई थी, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी अमित कुमार दुबे, वरिष्ठ उप निरीक्षक शंभुनाथ सिंह, उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, अमित राय, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, अमित कुमार, महिला कांस्टेबल जागृति सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, नहीं आती
अच्छे आरोप पर करें बोलो बहुत है ना ये दिनांक 18 फरवरी को एक इरशाद नामक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके संबंध में उसकी माता रुखसाना ने FIR दर्ज कराया था अपने पट्टीदारों के खिलाफ। उस संबंध में जांच पड़ताल की गई और उसका खुलासा किया गया है, तो उसमें ये पाया गया कि जो मजरूब है उसकी बहन गुड़िया ने अपने प्रेमी के सहयोग से उस व्यक्ति पर हमला कराया, जिससे कि वो लगभग मरणासन्न स्थिति में एक माह से अस्पताल में पड़ा हुआ है, कोमा की स्थिति में। कारण ये था कि उसकी बहन को ये लगता था कि ये इससे सूरज से उसका संबंध नहीं होने देगा और हर प्रकार की वो उसके ऊपर बंदिश लगाता था, घर के अंदर बंद रखता था, जबकि वो चाहती थी कि उससे सूरज का विवाह हो जाए। मुख्यमंत्री एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ के नाम पर बना एलोपैथ व आयुर्वेद की अति उच्च स्तरीय यह आरोग्य धाम परिसर चिकित्सा की इन दोनों विधाओं की ज्ञान परंपरा का अद्यानूतन संवाहक बन रहा है। इस विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित आयुर्वेद कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत है। CM योगी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के संस्था गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में BAMS प्रथम वर्ष के दीक्षा पाठ्यचर्या ट्रांजिशनल करिकुलम समारोह के 10वें दिन 9 प्रवेशी विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। शुक्रवार शाम यहां पहुंचे मुख्यमंत्री ने BAMS प्रथम वर्ष के 12 प्रांतों से आए सभी 100 छात्रों से एक एक कर उनका परिचय पूछा और आयुर्वेद की ही पढ़ाई क्यों, इस प्रश्न पर उनका नजरिया जाना। परिचयात्मक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने 9 प्रवेशी विद्यार्थियों को जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इस आरोग्य धाम के आप सभी प्रथम रत्न हैं। पूर्ण विश्वास है कि यह 100 मेधावी युवा आरोग्यता व आयुर्वेद के पुनर्जागरण की शुरुआत करेंगे। आप सभी आयुर्वेद के इस युग के यशस्वी वाहक बने और गुणवत्ता तथा उच्च स्तरीय शोध परखता से आयुर्वेद को दुनिया में पुनः प्रतिष्ठित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद के आगे बढ़ने से हर्बल खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे कृषि व कृषकों के जीवन में नई व सकारात्मक क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांव-गांव में हेल्थ वेलनेस सेंटर खोल रही है। इन हेल्थ वेलनेस सेंटरों में आयुर्वेद व इसकी पढ़ाई कर रहे आप युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ टूरिज्म आयुर्वेद की देन है, इसके जरिए देश दुनिया को आकर्षित किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए CM योगी ने कहा कि आप सभी भगवान बुद्ध के मंत्र अप दीपो भाव का अनुकरण कर कठोर परिश्रम से गुणवत्तापूर्ण शोध करते हुए नया मुकाम हासिल करें। CM योगी ने कहा कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष मंत्रालय बनाकर चिकित्सा की 5 परंपरागत विधाओं आयुर्वेद, यूनानी, योग, होम्योपैथी व सिद्धा का समुच्चय बनाया है। आयुर्वेद के विद्यार्थी आयुष के इस अभियान से जुड़कर इसके सफल सारथी बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति व क्षेत्र को अवसर देती है, सकारात्मकता से इस अवसर का उपयोग करने वाले इतिहास रचते हैं। कोरोना के वैश्विक संकट में चिकित्सकीय चुनौतियों से जूझ रही दुनिया के सामने आप योग व आयुर्वेद के अवसर का उपयोग करते हुए दुनिया को निरोग्यता तथा आरोग्यता का सफल मुकाम दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बताया कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम ने महर्षि चरक व सुश्रुत की परंपरा का वाहक बनते हुए एकीकृत चिकित्सा को नया मुकाम देने का संकल्प लिया है। इस परिसर में आयुर्वेद पद्धति से उच्च स्तरीय चिकित्सा के लिए चिकित्सालय के साथ ही एलोपैथ के नामचीन चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध है। यहाँ महत्वपूर्ण सर्जरी, जटिल रोगों का इलाज, डायलिसिस
आईसीयू आदि विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हम सुपर स्पेशलिटी सेवा की ओर अग्रसर हैं। आयुर्वेद व एलोपैथ की एक ही परिसर में एकीकृत चिकित्सा सुविधा होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश की चिकित्सकीय चुनौतियों का समाधान होगा और यहाँ के छात्रों को अध्ययन व स्वाध्याय करते हुए विशिष्ट अनुभव प्राप्त होगा। सीएम योगी ने कहा कि आरोग्य धाम परिसर में चिकित्सा विज्ञान का श्रेष्ठतम पुस्तकालय स्थापित किया जा रहा है। यह देश दुनिया के अत्याधुनिक शोध जर्नल्स, पत्र पत्रिकाओं व अनेकों अनेक पुस्तकों से युक्त अध्ययन का विशिष्ट केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BA MS के प्रथम बैच के छात्रों का आह्वान किया कि आयुर्वेद प्रथम बैच के छात्र आरोग्य धाम में प्रारंभ हो रहे इस संस्थान को प्रतिमान बनाने का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए आप सभी अपना व अपने संस्थान का नाम रोशन करने के लिए कठोर परिश्रम करें, संस्थान के विकास में सहयोगी बने और आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त करें। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर पी सुरेश, नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य डी अजीता मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने कुलाधिपति के रूप में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम का निरीक्षण भी किया। चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर हुई तोड़फोड़ की घटना में शामिल मुख्य आरोपी पुलिस के दबाव में आकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार में हुई घटना का मुख्य आरोपी मनोरोजन यादव पुत्र केशव यादव निवासी शाहू कोल मिर्जापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बताते चले कि 25 मार्च को कस्बा चौरी चौरा में तोड़फोड़ की घटना का मुख्य आरोपी घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसमें 70 से ज्यादा नामजद के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था तथा 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बाकी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसमें 3 लोगों के ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर उसके घर, रिश्तेदारों तथा मिलने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस के लगातार दबिश और तलाश के कारण अभियुक्त मनोरोजन यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, जहां से न्यायालय ने मनोरोजन यादव को जेल भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, धरना प्रदर्शन को दंगा बता दे रही है चौरी चौरा में हुए उपद्रव के संबंध में वांछित एवं इनामी अपराधी मनोरंजन यादव ने पुलिस के दबाव और दबिश के चलते आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान के लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां कचहरी क्लब मैदान से पोलिंग बूथ के लिए बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स के साथ रवाना हुई, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के मतदान के लिए 21 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, जिसमें 21 गोरखपुर व 12 महाराजगंज में है। उन्होंने कहा, सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के 4 जवान व सिविल पुलिस के 16 जवान तैनात रहेंगे। हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह एवं जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज का आना किस हालात में चल रहा है।
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एआरओ हूं गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र का। हमारे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 33 बूथ हैं, 21 गोरखपुर में, 12 महाराजगंज में। आज ये 21 बूथ की पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो रही हैं। बूथ पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। आपको जानकारी दे दें कि वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के 4 जवान रहेंगे और स्थानीय पुलिस के लगभग प्रत्येक बूथ पर 16 जवान होंगे, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। प्रातः 8 बजे से सायंकाल 4 बजे तक मतदान होगा। मेरा अनुरोध है कि जो भी मतदाता हैं वो जल्दी जल्दी आके अपना मताधिकार का प्रयोग कर लें। जैसे आपने वहाँ देखा भी, सभी हमारे पोलिंग पार्टियों द्वारा मतदान पेटी और बैलेट बॉक्स और सामान्य सामग्री लेके पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ गए हैं। पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, वहाँ व्यवस्था की जायज़ा भी लिया जा रहा है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयोग के निर्देशों के क्रम में चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी है और सकुशल कल इलेक्शन को सम्पन्न कराने का कार्य किया जा रहा है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की भौतिक समीक्षा के दौरान मिट्टी भराई का कार्य अधूरा देख सीएम योगी की चढ़ी त्योरी, लहजा हुआ तल्ख, डीएम को दिए निर्देश, कहा 2 माह में पूर्ण हो मिट्टी का कार्य, समय पर पूरा हो निर्माण कार्य, लापरवाही पर कराए FIR।
गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के 21 मतदान केंद्रों में से एक नगर निगम में बने मतदान स्थल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया निरीक्षण। कहा, सभी तैयारी है, पूरी शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। अपने सगे भाई इरशाद पर जानलेवा हमला कराने वाली कलयुगी बहन आफरीन व उसके प्रेमी सूरज यादव को गुलहरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के दीक्षा पाठ्यचर्या समारोह में सीएम योगी ने छात्रों से किया संवाद। कहा, चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा में नई क्रांति की शुरुआत है आयुर्वेद कॉलेज। चिकित्सा की दोनों विधाओं की ज्ञान परंपरा का अद्यानुतन संवाहक बन रहा है आरोग्य धाम परिसर। 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी व 25,000 का इनामी मनोरंजन यादव ने पुलिस कार्रवाई के दबाव में आकर न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, भेजा गया जेल। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां कचहरी क्लब से मतदान बूथों के लिए बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स के साथ हुई रवाना। जिलाधिकारी ने कहा, गोरखपुर में शनिवार को 21 बूथ पर होगा मतदान, सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। जिस मार्च को चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव एवं आम जनमानस पुलिस बल पर पथराव तोड़फोड़ करने वाले 3 अभियुक्तों को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद्र ने मतदाता बंधुओं से की अपील। कहा, भाजपा के पक्ष में करें मतदान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए बने उनके हम सफर। वासंतिक चैत्र नवरात्र के 7वें दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित माँ दुर्गा के गर्भगृह में माता कालरात्रि देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती, तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मतदान करने की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने पोलिंग बूथ सदन हॉल का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, जिले का सबसे मॉडल बूथ बनेगा नगर निगम का सदन हॉल। पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को दिया गया मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। डीपीआरओ ने कहा, धनराशि को अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे खर्च, जिससे हो सकेगा गोरखपुर का सर्वांगीण विकास। और चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन गोलघर काली मंदिर में मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। नगर आयुक्त ने कहा, सभी मंदिरों पर साफ सफाई की गई है, समुचित व्यवस्था। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौरी चौरा पुलिस ने भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्त को मझना नाला के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विकास यादव पुत्र जयराम यादव निवासी ग्राम चकदेया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, दूसरा पप्पू कुमार पुत्र प्रदीप शाह निवासी गौनाहा जनपद बेतिया बिहार, हाल पता भोपा बाजार शिव सागर मिष्ठान थाना चौरी चौरा गोरखपुर, तीसरा सुधाकर यादव पुत्र वीर बहादुर यादव निवासी साहबगंज थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि थाना जगह क्षेत्र के सेना में नियुक्त जवान धनंजय यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी राघोपट्टी पडरी थाना जगह जनपद गोरखपुर की मृत्यु पूर्व में सिक्किम में हो जाने के उपरांत 25 मार्च को शव को गांव राघोपट्टी पडरी में लाए जाने के उपरांत उपद्रवियों द्वारा अनावश्यक रूप से थाना चौरी चौरा के भोपा बाजार में रोड जाम करके धरना प्रदर्शन व ईंट पत्थर चलाया गया तथा सार्वजनिक संपत्ति व वाहन क्षतिग्रस्त व नष्ट किए गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 27 मार्च को 9 अभियुक्त व 29 मार्च को 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए घटना में शामिल उपद्रवियों की फोटो जगह जगह चिपकाई गई थी, जिसको देखते हुए मुखबिर की सूचना पर 8 अप्रैल को तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोज कुमार यादव, उपनिरीक्षक मदन मोहन मिश्रा, प्रदीप कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश प्रताप यादव, कांस्टेबल संजय सिंह, पीयूष सिंह, नीलेश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, विगत दिनों शहीद धनंजय कुमार के शव के संदर्भ में जो चौरी चौरा में उपद्रव हुआ था, उसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम विकास यादव, पप्पू कुमार और सुधाकर यादव हैं। ये तीनों ही उपद्रव में शामिल रहे थे। इनकी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से मिलान कर ली गई है। इनको जेल भेजा जा रहा है गिरफ्तार करने के उपरांत। नहीं, इनामी इनमें से कोई नहीं। अब 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं कुल, और करीब अभी जो चिन्हित हैं हमारे, उनमें से करीब 50 लोग बाकी हैं। उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। जी, सभी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई सभी के खिलाफ की जाएगी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया कि सभी मतदाता बंधुओं से अपील करते हुए कहता हूं कि सभी लोग अब पार्टी के पक्ष में मतदान करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए और आप सभी उनके हमसफर बने। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी एक नारा सबका साथ सबका विकास है, उसी एजेंडे को लेकर के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद्र ने कहा, गाड़ी है
मैं अपील करूंगा हमारे सभी मतदाता बंधुओं से जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि साथी हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर जा रहा है उसके हम सफर बने। चुनाव जीतने के बाद में जैसा भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी एजेंडे को लेकर के उसी नारे को लेकर के हम सब लोग जो है रहेंगे और हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा करेंगे। वासंतिक चैत्र नवरात्र के अवसर पर आज सप्तम दिवस गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा गर्भगृह तथा मंदिर परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर में माता काल रात्रि देवी का पूजा अर्चना तथा आरती गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। इस अवसर पर कलश पूजन के साथ गणेश पूजन, भगवती पूजन, पाठ एवं आरती संस्कृत के 11 विद्यार्थियों द्वारा किया गया। रामानुज त्रिपाठी, वैदिक जी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित कुमार मिश्र, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी, पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी आदि ने पूजा संपन्न कराया। इसके पूर्व प्रातः काल बेला में माता कात्यायनी देवी का पाठ एवं आरती भी किया गया। प्रातः काल तथा सायंकाल में आरती के तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। माता दुर्गा की आरती में योगी धर्मेंद्र नाथ तथा विनय गौतम आदि उपस्थित रहे। सदन हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए शनिवार को मतदान करने की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने सदन हॉल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण का मतदान शनिवार को नगर निगम के सदन हॉल में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर विधानसभा के विधायक होने के नाते पहला मतदान करेंगे, जिसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा पोलिंग बूथ को स्वच्छ बूथ बनाया जा रहा है, जो कि जिले का सबसे मॉडल बूथ रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निकलने वाले काफिले के मार्ग व पोलिंग बूथ को सजाया जा रहा है। उन्होंने कहा, नगर निगम बूथ पर सांसद, विधायक, पार्षद सहित 200 वोटर हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदान करने के बाद स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए मतदान करेंगे और प्रयास है कि शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, विधानसभा के
माननीय मुख्यमंत्री जी, कल जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे पहले ठीक 8 बजे आकर वो अपने वोट को कास्ट करेंगे और माननीय जी के आने के लिए आने के समय स्वच्छता की जहां पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, जो उनके पूरे रूट हैं, पूरे शहर को सजाया जा रहा है, वही नगर निगम का जो इस बूथ को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के प्रति लोग आम जनमानस में मतदाताओं के बीच में एक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भी इस बूथ को हम लोग मॉडल बूथ के रूप में डेवलप कर रहे हैं। इसको हम लोग फूलों की लड़ियों से और गुब्बारों का गेट बनाकर इसको हम लोग सजा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो है हमारे इस शहर के जो माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, हमारे माननीय पार्षदगण हैं, वो सभी लोग कल इस बूथ पर आकर कुल टोटल जो है 200 यहाँ पर वोटर हैं, ये लोग अपने वोट को डालेंगे यहाँ पर और निश्चित रूप से नगर निगम में और पूरे शहर में इस चुनाव को लेकर एक बहुत ही उत्साह का माहौल बना हुआ है और निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर 100% मतदान जो है वो सुनिश्चित होगा। पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद में 5 ग्राम पंचायतों का चयन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हुआ है। सहजनवा ब्लॉक के हरपुर ग्राम पंचायत, गगहा ब्लॉक के हाटा ग्राम पंचायत, पिपरौली ब्लॉक के भिलोरा ग्राम पंचायत, कौड़ी राम ब्लॉक के कोठा ग्राम पंचायत तथा पाली ब्लॉक के कारवा कला ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिनको 11 लाख से 2 लाख तक के इनाम मिले हैं। इस इनाम की धनराशि को अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए खर्च करेंगे, जिसमें कि गौशाला की मरम्मत रखरखाव में खर्च कर सकते हैं, नाली निर्माण पर खर्च कर सकते हैं, सूखा गड्ढा या कंपोज में खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि और भी ग्राम पंचायत अच्छा कार्य करेगी ताकि उनको भी भविष्य में पुरस्कार मिले और गोरखपुर के सर्वांगीण विकास हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में जो है 5 ग्राम पंचायतों का चयन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हुआ है। ये ग्राम पंचायतें हैं सजनवा की हरपुर, उसके लगघा की हाटा, पिपरौली की भिलौरा, कौड़ी राम की कोठा और पाली की टड़वा कला। इनको 11 लाख से लेकर के 2 लाख तक के इनाम मिले हैं। इस इनाम से ये कुछ जगह पे अपने धनराशि गांव के सर्वांगीण विकास के धनराशि खर्च कर सकते हैं। शासन के द्वारा कुछ निश्चित पैरामीटर्स दिए गए हैं, कुछ जिसमें उनको धनराशि खर्च करना है, इनमें से किसी पर भी ये खर्च कर सकते हैं। पहला है जैसे गौशाला, अगर उनके ग्राम पंचायत में कोई गौशाला है तो उसकी मरम्मत रखरखाव पर खर्च कर सकते हैं। SLWM के तहत नाली निर्माण पर खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा वो अगर सूखता गड्ढा बनवाना है या बर्मी कंपोस्ट या नैफेड कंपोस्ट बनवाना है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, तो उसमें खर्च कर सकते हैं। स्वयं के स्रोत क्या है कि वृद्धि के लिए ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जैसे दुकान बनवाना है या ऐसा लोगों के लिए शॉप बनवाना है या कुछ NRLM को ऐसी हेल्प करना है जिससे कि गाँव की कुछ आय सृजित हो, ऐसे पे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पंचायत भवन नहीं है उस गाँव में तो पंचायत भवन का निर्माण करा सकते हैं। अगर पुराना पहले से पंचायत भवन है तो उस पंचायत भवन की मरम्मत करा सकते हैं और 1 या 2 कमरे उसमें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गांव में अगर CSC सेंटर नहीं है तो CSC सेंटर उसे बनवा सकते हैं। लाइब्रेरी की स्थापना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको वो ले सकते हैं। पुस्तकालय, जैसे कि आप जानते हैं पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता होती है, तो वो पुस्तकालय का निर्माण करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर टीकाकरण के लिए, अगर टीकाकरण कराना है टीकाकरण भी धनराशि से करा सकते हैं। इसके
अलावा और भी कोई ऐसा कार्य जो कि पब्लिक मतलब वेलफेयर का है, जन योजना से संबंधित है, जिससे लोगों को लाभ होगा, और किसी भी योजना से अगर ये नहीं है, इसमें आच्छादित नहीं है, तो ऐसे भी किसी कार्य को इसमें ले सकते हैं। तो ये सारे मुख्य कार्य हैं। SLWM मुख्य कार्य है, उसके अलावा पंचायत भवन मुख्य कार्य है, गौवंश के रख रखाव के लिए जो है गौशाला इनका मुख्य कार्य। तो ये सारे कार्य में धनराशि खर्च कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे प्रेरित होकर के और भी कई ग्राम पंचायतें अच्छा कार्य करेंगे, ताकि उनको भविष्य में पुरस्कार मिल सके और वो भी अपने गांव के सर्वांगीण विकास के, जो गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, जिससे हम लोग अभी बहुत चीज़ों पर अच्छा काम कर रहे हैं, आंतरिक गलियों पर काम कर रहे हैं, स्कूल के कायाकल्प पर काम कर रहे हैं, पंचायत भवन के कायाकल्प पर काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी के कायाकल्प पर कार्य हो रहा है, SLWM में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये सारे कार्य स्ट्रीट लाइट पर कार्य हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और भी ग्राम पंचायतों को यहाँ पर गोरखपुर में अवार्ड मिलेगा। चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन गोलघर काली मंदिर में मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जिसके संबंध में गोलघर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र सनी कुमार सैनी ने बताया कि चैत्र नवरात्र का सप्तमी दिन है, जिसको देखते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में आ रहे हैं और बारी बारी से लाइन में लगकर माँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ से परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का माँ के प्रति आस्था है। वही इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नवरात्र के शुरुआत से ही सभी सफाई कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह महानगर के सभी मंदिरों पर पहुंचकर सुबह 5 बजे से ही सफाई का कार्य करेंगे, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, तथा सभी मंदिरों पर चूना छिड़काव के लिए भी निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र शनि कुमार सैनी और नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, सनी कुमार सैनी। हर तरीके के भक्त आ रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए दूर दूर से, फिर अपनी अपनी श्रद्धा से लोग अपनी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माता से, फिर रक्षा बांध के मन्नत पूरी करने के लिए बांध रहे हैं, लोगों की मन्नत आस्था है बहुत ज़्यादा पूरी हो रही है माता जी के प्रति आस्था है लोगों का, और अपना दुख सुख जो भी है माता जी से बता रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है नवरात्र में माता जी के मंदिर में। नवरात्र चल रहा है, इसको लेकर नगर निगम के द्वारा मंदिरों की व्यवस्था की। नवरात्र के धार्मिक पर्व के मौके पर, नवरात्र के पर्व की शुरुआत से ही सभी जो हमारे जोनल ऑफिसर हैं, जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं और सफाई कार्य में लगे हुए सभी सफाई कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो प्रातः काल में ही 5 बजे से उठकर जितने भी हमारे मंदिर हैं उनमें सब पे अच्छी तरह से सफाई करके, उनके सामने धूल अगर वह है तो वहाँ पानी का छिड़काव कर और वहाँ पर चूने आदि की व्यवस्था कर दें। इसके साथ ही जो वहाँ पर, चूँकि पब्लिक श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शाम के समय जो है वहाँ पर जाकर उसको फॉगिंग की भी व्यवस्था कर दें, जिससे कि मच्छर आदि ना लगे। एक कह सकते हैं कि पूरा इस वक्त जो गोरखपुर शहर है पूरे धार्मिक भक्तिभाव में जुटा हुआ है, और नगर निगम भी अपने इन सभी श्रद्धालु भक्तजनों के साथ पूरे तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर उनके इस धार्मिक कृत्य में पूरी तरह से शामिल है, और हम लोगों ने लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी किसी मंदिर के आसपास कोई भी
कूड़ा करकट या गंदगी आदि ना दिखाई देने पड़े। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर ज़रूरत पे जैसे डिमांड आ रही है, हम पानी के टैंकर भी भिजवा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग जो है माता जी के श्रद्धा के उसमें भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग वहाँ पर उनसे उनकी डिमांड पर बड़े बड़े डस्टबिन रखवा रहे हैं, पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं। जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से ये जो इतना बड़ा ये धार्मिक पर्व है तो इसमें नगर निगम की पूरी टीम को लगा के कोशिश की जा रही है कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आने पाए। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की भौतिक समीक्षा के दौरान मिट्टी भराई का कार्य अधूरा देख सीएम योगी की चढ़ी त्योरी, लहजा हुआ तल्ख, डीएम को दिए निर्देश, कहा 2 माह में पूर्ण हो मिट्टी का कार्य, समय पर पूरा हो निर्माण कार्य, लापरवाही पर कराए FIR। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के 21 मतदान केंद्रों में से एक नगर निगम में बने मतदान स्थल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया निरीक्षण, कहा सभी तैयारी है, पूरी शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। अपने सगे भाई इरशाद पर जानलेवा हमला कराने वाली कलयुगी बहन आफरीन व उसके प्रेमी सूरज यादव को गुलहरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के दीक्षा पाठ्यचर्या समारोह में सीएम योगी ने छात्रों से किया संवाद, कहा चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा में नई क्रांति की शुरुआत है आयुर्वेद कॉलेज, चिकित्सा की दोनों विधाओं की ज्ञान परंपरा का अद्यतन संवाहक बन रहा है आरोग्य धाम परिसर। 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी व 25,000 का इनामी मनोरंजन यादव ने पुलिस कार्रवाई के दबाव में आकर न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, भेजा गया जेल। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां कचहरी क्लब से मतदान बूथों के लिए बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स के साथ हुई रवाना, जिलाधिकारी ने कहा गोरखपुर में शनिवार को 21 बूथ पर होगा मतदान, सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव एवं आम जनमानस पुलिस बल पर पथराव तोड़फोड़ करने वाले 3 अभियुक्तों को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव के भाजपा प्रत्याशी CP चंद्र ने मतदाता बंधुओं से किया अपील, कहा भाजपा के पक्ष में करें मतदान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए बने उनके हमसफर। वासंतिक चैत्र नवरात्र के 7वें दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित माँ दुर्गा के गर्भगृह में माता कालरात्रि देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती, तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मतदान करने की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने पोलिंग बूथ सदन हॉल का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, कहा जिले का सबसे मॉडल बूथ बनेगा नगर निगम का सदन हॉल। पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को दिया गया मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, DPRO ने कहा धनराशि को अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे खर्च, जिससे हो सकेगा गोरखपुर का सर्वांगीण विकास। और चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन गोलघर काली मंदिर में मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़, नगर आयुक्त ने कहा सभी मंदिरों पर साफ सफाई की गई है समुचित व्यवस्था। अब मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।